नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर और बहुत ही बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर, एक हवाई जहाज एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए 6 नाटो देशों के ऊपर उड़ान भरता रहा। इसकी वजह से कई देशों में हड़कंप मच गया और विमान का पीछा करने के लिए कई फाइटर्स जेट को भी भेज दिया है। बाद में एक जगह पर रहस्यमय विमान लैंड किया, लेकिन विमान की जाँच की गई तो उसमें ना तो पायलट था और ना ही कोई पैसेंजर। इस घटना ने जाँच टीम को हैरान कर दिया है। फिलहाल इसी रहस्यमी हवाई जहाज के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि कैसे एक दो नहीं बल्कि 6 देशों को पार करते हुए बुल्गारिया तक पहुंचा है। इस मसले पर बुल्गारिया रक्षा मंत्रालय के अधिकारी जाको ने कहा कि अज्ञात विमान ने बुधवार की शाम को उनके देश की हवाई सीमा में एंटर किया था। हालांकि उसमें किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं था, वो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। और दोस्तों आपको बता दें, इसमें ना तो कोई पायलट था, ना ही दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई पैसेंजर दोस्तों बैठा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा ही हुआ है, जिसकी वजह से देशों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। वही दोस्तों, अराइवल नेट के मुताबिक बुल्गारिया की सीमा में एंटर होने से पहले इस रहस्यमय विमान को हंगरी और रोमानिया की एयरफोर्स ने डिटेक्ट किया था। इसके बाद ये पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और लिथुआनिया की हवाई सीमा में दाखिल हुआ था। नाटो देशों की हवाई सीमा में अजनबी विमान के दाखिल होने के बाद हंगरी और रोमानिया के फाइटर जेट्स F-16 एक्टिव मोड में आ गए और दोस्तों कोई जवाब नहीं देने पर फाइटर जेट्स ने उस विमान का पीछा भी किया है। और दोस्तों अब बहुत ही बड़ी खबर, दोस्तों लगातार छानबीन जारी है कि विमान किसका है और आखिर दोस्तों उड़ता उड़ता कैसे आ गया है। बहुत ही हैरानी की बात दोस्तों आ रही है।